हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिरुलिना, पतंजलि स्पिरुलिना और अश्वगंधा के बारे में। पतंजलि का यह न्यू प्रोडक्ट आया है स्पिरुलिना के साथ में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको लेने से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको, किसे लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना होता क्या है, ये एक प्रकार की काई होती है जो रुके हुए पानी में, जैसे कि झरनों में, तालाबों में, झीलों में जो काई जम जाती है ग्रीन कलर की, उसे ही प्रोसेस करके उसे स्पिरुलिना का पाउडर बनाया जाता है। बाद में पाउडर को कन्वर्ट कर दिया जाता है कैप्सूल में और आप तक पहुँचा दिया जाता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बेनिफिट के ऊपर मैंने ऑलरेडी चार चार वीडियो बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप वो चारों वीडियो जरूर देखना अगर आप अच्छे से स्पिरुलिना को जानना चाहते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं, अगर आप कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं तो दूध से इसमें 3 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, और अगर आप आयरन के लिए पालक खाते हैं तो इसमें पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन होता है। साथ में इसमें सोयाबीन से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, और इसमें इतने सारे बेनिफिट होते हैं कि उसे एक्सप्लेन करना इस शॉर्ट वीडियो में मुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड, आप बाकी के चारों वीडियो जरूर देखना, आपको वो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हर्ब्स माना जाता है। बाबा रामदेव जी इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। अश्वगंधा का सीधा सीधा यही मतलब होता है, इसको लेने से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होने वाला है। मतलब आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, काम का, जॉब का, स्टडी का। तो कोई भी जो स्ट्रेस होता है वो इसलिए होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस हार्मोन को ये कम कर देता है, और आपका जो खुशी वाला हार्मोन होता है उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है। यही तो काम है अश्वगंधा का। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जो आप अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो रात में आपको नींद नहीं आती है, तो फिर इसको लेने के बाद में आपका स्ट्रेस हार्मोन्स कम होगा तो आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो इसे आप कभी भी ले सकते हैं, बट सोने से 1 घंटे पहले अगर आप इसे लें दूध के साथ में सिर्फ 1 कैप्सूल, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आप चाहे तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसके जो कितना लेना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो मात्रा होती है 500 mg से लेके 1000 mg तक बीच में आप ले सकते हैं एक दिन में। इससे ज़्यादा इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का ओवरडोज करेंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, और इसके भी थोड़े बहुत नुकसान तो होते ही हैं ओवरडोज करने से, क्योंकि अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक लेते रहेंगे तो इसकी आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी। जब जिस प्रकार से अगर आपकी कोई बुरी लत का शिकार हो जाते हैं तो जल्दी से वो लत छूटती नहीं है, वैसे ही अश्वगंधा के साथ भी ऐसा ही। अगर आप इसे कंटिन्यू 3-4 महीने लेते रहेंगे तो बाद में ये होगा कि आपको उसके बिना नींद नहीं आएगी, आपका मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए फ्रेंड, जब आप इसे लेंगे तो पहले तो आप डॉक्टर से पूछ लें, उसके बाद जब आप इसे लेंगे तो साइकिल में लें, 2 महीने लें, फिर 1 महीने गैप, फिर 2 महीने ले सकते हैं। इस प्रकार से इसे लेना है तभी आप इसके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। उससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कभी भी अगर आपको स्ट्रेस को कम करना है तो उसके लिए आप मेडिसिन से पहले आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन तो वैसे ही कम हो जाएगा। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, वो अश्वगंधा लेके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसकी अगर MRP की बात की जाए तो वो है 175 रुपये, 175 only। तो 175 रुपये में आपको 60 कैप्सूल मिलेंगे जो आपका पूरा 1 महीना तक चलेगा। अगर आप स्पिरुलिना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी पिछली चारों वीडियो जरूर देखना, वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा किसी के साथ भी, और ये वीडियो पे आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।